सर को चॉइस किया है और हमको यहाँ आने से बेस्ट फीलिंग हो रहा है। तो मुझे सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जेई इंस्टीट्यूट लगा। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं संतोष कुमार, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन पटना से। तो आज हम लोग आप लोगों को मिलाने वाले हैं हमारे कुछ स्टूडेंट से, जो कि होली ऑफर बैच हमने दिया था। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ने आए हैं होली ऑफर में, तो आज हम इनसे आपको मुलाकात करवाएंगे। और सिर्फ इनका ना अभी 4 दिन का ही क्लास चला है, 15 से हमारा बैच स्टार्ट हुआ था 15 मार्च से, तो सिर्फ 4 दिन की क्लास चली है। और 4 इस दिन में देखेंगे कि क्या इनके सिर्फ 4 दिन में कोई इंप्रूवमेंट है या नहीं है। और कुछ लोगों का ये सोचना रहता है कि सर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो हमारा क्या ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट होता है? तो चलिए, आप इन्वेस्टमेंट की अब टेंशन ना लीजिए, क्योंकि हमारे पास अब हॉस्टल फैसिलिटी एवं खाना, ये दोनों आपको हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ही मिलेगी हर बार के बैच में। तो चलिए मिलते हैं हम अपने सबसे पहले स्टूडेंट्स। क्या नाम है आपका? गणेश डुगरे। गणेश डुगरे जी, कहाँ से हैं आप? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो आज आपका चौथा दिन का क्लास। क्या मतलब आप कुछ बताना पाएंगे हमारे व्यूअर्स को? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इसके पहले भी 2 इंस्टीट्यूट में सीखा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है। इसके लिए संतोष सर को चॉइस किया है, और संतोष सर का 4 दिन का क्लास सीख के मुझे ये लग रहा है कि मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले भी काम सीखा है मैंने। उसके सीखने का तरीके में और संतोष सर के सीखने के तरीके में बहुत सारा डिफरेंस है। और दूसरी बात, संतोष सर का ऑनलाइन भी क्लासेस है, जो दुकानदार ऑलरेडी काम करते हैं वो ऑनलाइन भी काम करके घर रह के अपना काम सीख सकते हैं ऑनलाइन में। जैसा कि आप लोग देख पाए एवरीवन, कि हमारे जो ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने इससे पहले भी 2 इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा, लेकिन फिर भी इन्होंने संतुष्ट नहीं हो पाया। और मैंने 4 दिन का सिर्फ क्लासेस में इनको मैंने मॉडिफिकेशन कराया, और इनकी अभी जो है 11 दिन की क्लासेस कंप्लीटली बाकी है। तो आप सोच सकते हो कि आपको क्या डिसीजन लेनी है। चलिए हम आगे मिलते हैं। अभी हमारे साथ हैं, जम्मू से आए हैं, और इनका नाम है करण जी। तो कहिए करण जी, आपका क्या अनुभव है? ठीक है, तो मेरा नाम करण है, मैं जम्मू से हूँ। तो इससे पहले भी मैं कई इंस्टीट्यूट में जाने की ट्राई किया है, तो बोलते हैं कि फीस इतना है, 21,000 या फिर 25,000-35,000 इतना फीस है बाकी वालों का। तो मैं गया उधर, तो उनसे पूछा कि भाई काम सिखाओगे? बोलते हाँ सिखाएंगे हम। तो एक मंथ का कोर्स रहेगा, तो एक मंथ के बीच बीच में जो भी सीख पाओगे तो अच्छा है, तो अगर ना सीख पाए तो हम दोबारा लिए रिपीट नहीं करवाएंगे आपको। तो मैंने पूछा कि वो पैसे मेरे बेकार गए? बोलते हाँ वो बेकार गए। तो फिर मैंने संतोष सर से मेरी इंट्रोडक्शन हुई, तो संतोष सर से मैंने पूछा कि आप काम सिखाओगे? बोलते हाँ सिखाएंगे। मैंने पूछा कि अगर एक मंथ में मैं ना सीख पाया तो क्या आप दोबारा सिखाओगे? बोलते हाँ सिखाएंगे। तो मुझे सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जेई इंस्टीट्यूट लगा, और जो 4 दिन हुआ मुझे आए हुए, तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं काम कर सकता हूँ, बाकी वालों से बहुत ही बेटर कर सकता हूँ। पहले तो मैं मोबाइल की लाइन में कुछ भी नहीं जानता था, जब से जहाँ आया हूँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप भी सीखना चाहते हो तो आप संतोष सर के पास ही आइए, आगे पीछे ऐसे पैसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, चलिए, जैसा कि आपने करण जी से सुना कि इन्होंने अपना 4 दिन का आपसे अनुभव शेयर किया, अब इनकी 11 दिन की क्लासेस बाकी है। और ये भी आप देखिए कि लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, और खर्च करने के बावजूद भी वो असंतुष्ट होकर के अपने घर लौटते हैं। और पैसे, आप जानते हो कि हमारे टेक्नीशियन भाई है, बड़ी मेहनत से पैसे को कमाते हैं। तो भाई, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, हमारी हर वीडियो में मैं हर बार ये चीज क्लिप रिपीट करता हूं, आप हमारी पुरानी वीडियो भी देखना, कि जिस इंस्टीट्यूट भी आप जाते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप हमारे पास आओ, जहां भी आप जाते हो पहले ना आप अपनी ट्रेनर से बात करो और उनसे पूछो कि सर हमारी ये तकलीफ है, मैं यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग में फंसता हूँ, यहाँ फंसता हूँ, और उस कॉल पे आप अनुभव लो कि क्या वो सर आपको कॉल पे गाइड कर पा रहे हैं। तो आप जरा सोचो कि जो कॉल पे आपको नहीं गाइड कर पाएंगे, उसके पास ट्रेनिंग में आपको कितना वक्त देने को होगा। तो जस्ट लाइक आप समझ होंगे, आप समझदार हो, मैं सिर्फ इशारों में बात करता हूं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है, बहुत ज्यादा मैं भी एक्सपोज नहीं कर सकता। तो आप लोग अपने पैसे को उस जगह लगाओ जहां आपको रिटर्न मिलने वाली है। चलिए, और भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे मिलते हैं, उसका अनुभव लेते हैं। मैं मधुबनी जिला बिहार से हूं। मैं इस लाइन में ज्यादा कुछ नहीं जानता था, ज्यादा कि मैंने कुछ नहीं जानता था, लेकिन यहां आने के बाद 4 दिन में मुझे ये पता चला है कि जिस चीज का भी काम करना है उस पर किस ट्रिक से हमको काम करना है, किस अनुभव पे काम करना है, कैसे करना है, वो ट्रिक जो है सर जो बताए हैं वो सबसे बेस्ट लगा हमको। और 4 दिन में हमको ये पता चला है कि जैसे कि सब कुछ आसान है, यदि करिएगा तो सब कुछ आसान है, उस ट्रिक से हमको बताया गया, और हमको यहाँ आने से बेस्ट फीलिंग हो रहा है।
यदि आप लोग आना चाहते हैं तो आपके लिए वेलकम है, बेस्ट रहेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना हमारे कुछ स्टूडेंट से, तो एवरीवन मैं जाते जाते इस वीडियो के अंत में कहना चाहता हूं कि अगर आप सीखने को सोच रहे हो तो आप टेंशन ना लो, हमको फोन करो, यहाँ पे मेरा नंबर दिया गया है या हमारी टीम का भी यहाँ नंबर है, हमसे बात करो, अपनी प्रॉब्लम हमें बताओ और जरूर सीखो। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। कब तक ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा कि कोई भी चीज मार्केट में अपडेट हो रही है तो आप खुद ब खुद अपने आप को अपडेट कर सकते हो। जैसे कि अभी सभी लोगों का ना सबसे ज्यादा समस्या आप देखो, डबल डेकर, ब्लैक पेस्टेड, सर ना फोल्ड कैसे पकड़नी है, आईसी वर्क कैसे करती है, मेरे को स्कीमेटिक्स नहीं आता, मेरे को ना नेटवर्क्स बनाने नहीं आता, तो ये सारी ना आम कॉमन समस्या है। चार्जिंग माइक स्पीकर तो सभी लोग रिपेयर कर रहे हैं, माइक सभी लोग बना रहे हैं, फोल्डर देखो 100-100 रुपए में आपके बगल में आपके पड़ोसी बदल देते होंगे और आप सर पकड़ के बैठे रहते होंगे। तो इन सभी चीज से आप बचना चाहते हो तो आप ना एमएमसी लेवल की क्लास करो, चीप लेवल का टेक्निक सीखो, ब्लैक पेस्टेड सीखो, डबल डेकर सीखो, जो कि मार्केट में नहीं लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ो, कॉन्टेक्ट करो और अपनी समस्या का समाधान करो और अपने पैसे को बचाओ और अपनी अर्निंग को बढ़ाओ। थैंक यू एवरीवन।